दीगर आयशा साहिबान, मेरे एरिया की जियाजत चेयरमैन साहिबान, नंबरदार साहिबान या चौकीदार साहिबान जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सरदार भाई को आदर। क्योंकि ग्रामी कदर डीएसपी साहब ने एक मुदल्लल तकदीर हमारे सामने की, इसमें कुछ फ़राइज़ भी हमको तफ्वीज़ किए गए, और अगर हम ये देखें अगर इनकी तरफ से ये हमको इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती, वैसे कि इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हम पर ये फर्ज आप ही आप आयद होता था। ये इनका बड़ापन है कि यहाँ ज्वाइन करते हुए इन्होंने हमारी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई। मैं अपनी तरफ से और अपने जितने भी यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनकी तरफ से डीएसपी साहब को, मोहतरम आबिद साहब, मेरे भाई बिलाल साहब, बेयुमते ऐसे नंबरदार साहब, चौकीदार साहब, या मस्जिद शरीफन हमते जिम्मेदार तुम सारे अस्सलाम वालेकुम, सरदार बोय तुम्हें सत्रकाल कि आबिद साहबन वो यम चीज आबिद साहबन वन तोन उमो वन बस मे बसान कंस कह पर यन कि बी चीज कह वन मगर अ चीज कर आबिद साहबनस अमो रिमाइंडर दिम अलरेडी चूंकि रस साहबन वो अलरेडी चीज अलरेडी करें क्या कि आबिद साहब पगह ये वारकार ये डी एस पी पगह आमन एलिवेशन बन एस एस पी उम आसान बेकुन डिस्ट्रिक्स मगर इस इन कत यह फ्यूचर्स खातर चूंकि यह खर कि यह पानस खर चूंकि उमो वो तुस तीज पांच रिमाइंडर दि सारी अन्न बचन खर पन्न शुन खर प्यूचर्स खर पस पानस खर वो चीज़ करा बहुत बेक तरीक़स मज एड कि उमो वो कि पब्लिक तो बे पुलिस चूंकि यह मे फिक्र तरह यह पी प्लस पी इज इक्वल टू शांति ये पुलिस तो बे पब्लिक रल ना अक्स सतवा कर तथ मत रिजल्ट शांति रिजल्ट। मैं मैम एसएसपी की थोड़ी बहुत तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये एजाज़ दिया गया कि आप अदरवाइज तो मैंने आई हैड पुट माय वर्ड्स तो ये कि आपके बगैर भी ये महफिल सजी हुई थी लेकिन मैम आपके बगैर भी ये महफिल सजी हुई थी लेकिन आप आए तो लगा हाँ तो आपकी कमी भी थी। सो हम खुश आमदीद करते हैं आपको कि ये जो मौका है ये जो बात हमारे बिलावड डीएसपी साहब एक पीसफुल सोसाइटी जो हमें चाहिए थी उस बात को लेके उस चीज़ को लेके उन्होंने हमें यहाँ पे मदु किया। प्लीज़ मेरे मोहतरम भाई लमरदार साहिबान चौकीदार साहिबान सबको अस्सलाम वालेकुम और मेरे यहाँ सरदार भाई बैठे हैं सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम यहाँ सारे ऑफिस में जमा हुए हैं ये हमें आज रात को जो रात गई हुई है उसमें तकरीबन सबको इन्फॉर्मेशन आ गई थी अपने अपने थानों से और जिनको नहीं आई उनको आज सुबह आ गई थी तो हमको यहाँ पर बुलाया गया है और हम तकरीबन 10 बजे से यहाँ सारे हाजिर हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस थी कि सारे चौकीदार लमरदार साहिबान पहुँचेंगे हम उसी वजह से यहाँ पहुँचे तो हमें यह पता नहीं था कि यहाँ होने वाला क्या है तो आबिद साहब यहाँ हमारे डीएसपी रेस्पेक्टेड बैठे हुए हैं इन्होंने बड़ी वजाहतन हमारे साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो इस वक्त बिदत बने हुए हैं हमारी सोसाइटी के बहुत बिदत बने हुए हैं। ये सिर्फ एक कौम का या एक जगह का या एक गाँव का मसला नहीं है मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे कश्मीर का मसला है। माय अदर कोलीग्स और आप सारे नंबरदार चौकीदार और मौलवी साहिबान अस्सलाम वालेकुम। चूँकि मैम ने अपना टाइम निकाला इन्हीं की डायरेक्शन पे ये मीटिंग भी कन्वे की गई है तो हम चाहते हैं कि जैसे आपने बातें बोली आपने खुल के आज बात की मुझे अच्छा लगा आपने जो बातें खुल के की मुझे इस चीज़ से खुशी है कि आपने जो बोला कि हम पर तो फ़र्ज़ है ही लेकिन जब आप थाने में जाते हैं तो आपको इज्जत दी जाए
इंशाल्लाह भरपूर इज्जत आपको दी जाएगी और आपका भी सुना जाएगा। और छोटे छोटे मसले जो है जिनमें पुलिस कॉग्निजेंस की जरूरत नहीं होती, जो कि कॉग्निजेबल होता ही नहीं है, उन मसलों में डिस्पोजल के लिए आपका एक बहुत बड़ा रोल है। जो आप सिविल सोसाइटी मेंबर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी लीडर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, मीडिया फ्रेंड्स, सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। तो आज आप सबसे मुलाकात करने के लिए मैं पहले ही एसडीओ साहब को बता के रखा था सबको मीटिंग बुलाना है, हम बात करना है, तो आज वो शुभ दिन आ गया तो उसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। तो आई गॉट टू मीट, ये थोड़ा सा मीटिंग लेट क्यों हो गया था, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। दो इलेक्शंस हमने यहाँ पर पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस को बहुत अच्छे से अमन के साथ सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, तो उसका क्रेडिट आप लोगों का जाता है, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कोऑपरेशन ड्यूरिंग द इलेक्शंस। आज हमने यहाँ पर रफियाबाद सब डिवीजन के पूरे सिविल सोसाइटी मेंबर्स है और मौलिया साहिबान हैं और हमारा औकाफ कमेटी वाले, बाकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव्स है, माइनॉरिटी लीडर्स है, तो सभी को हमने बुलाया था एक पीसीपीजी मीटिंग। तो यहाँ पर रेगुलरली होते रहती है, तो ऐसे रेगुलर मीटिंग है, तो इसी में हमने बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कशन की, तो खास करके ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा वॉर डिक्लेयर किया है तो उसके बारे में, और उसके अलावा बाकी सोसाइटी में क्या क्या क्राइम्स होता है उसके बारे में भी हमने उनसे बात की है। तो ये हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता है, तो हम लोग सारे एक टीम जैसा यहाँ पर काम करते हैं, तो वी जस्ट हैड एन इंटरेक्शन एंड जो फ्यू सजेशंस भी था उसको हम इम्प्लीमेंट करके आगे पहुँचेंगे। इलेक्शन की वजह से हमें ज़्यादा मीटिंग नहीं कर पाए, तो आगे से हम सारे इलाके, तो हम पिछले इलेक्शन से पहले भी हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए थे रंगी बच्चा में क्रिकेट टूर्नामेंट, हम आगे भी इसको रेगुलर करेंगे। सिविक एक्शन है, कुछ भी कवर हो अगर सोसाइटी में कोई क्राइम है तो उसके बारे में पुलिस को ना प्रिंट सोच के हमें कवर देना है, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे, ये हमारे तरह से एक प्रॉमिस है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वी आर ओपन फॉर देम 24/7, तो ये हमारा तरह से है, हम बोलना चाहते हैं।